सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हम सभी बात करते हैं मोबाइल फोन्स की और यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं प्रोसेसर की और इसके अंदर दोस्तों निकल के आते हैं दो नाम, एक है क्वालकॉम दूसरा है मीडियाटेक। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ मीडियाटेक के बारे में, जहां पर दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको मीडियाटेक वाले फोन्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लो भैया, आपको बताता हूँ पहले ही बात क्लियर एकदम कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मीडियाटेक के साथ में, नहीं मेरी कोई दोस्ती है क्वालकॉम के साथ में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉजिक को लेके। और अगर दोस्तों आपसे बात करता हूँ आज से 2-3 साल पहले के मार्केट की, तो उस टाइम पे बजट फोन्स के लिए दोस्तों मीडियाटेक एक अच्छा ऑप्शन होता था, बिकॉज क्वालकॉम के पास में बजट फोन्स के लिए 5-7-10 हज़ार रुपये के फोन्स के लिए कोई भी अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि क्वालकॉम लेके आ गया है अपने बहुत ही कमाल के अच्छे प्रोसेसर्स बजट रेंज के लिए भी, तो हमको लगता है कि जो मीडियाटेक है यार वो इतनी अच्छी वैल्यू हमको दे नहीं रहा है। और यहां पर दोस्तों फिर जब आते हैं नाम बहुत ही पुराने घिसे पिटे प्रोसेसर्स की रखी है, मीडियाटेक का 6737, मीडियाटेक का 6750, 6753, 6755 वगैरह, तो लगता है कि नहीं यार ये जो वैल्यू है ना ये हमको मिल नहीं रही है। और नहीं दोस्तों एफिशिएंसी में, नहीं दोस्तों यहां पे पावर में हमको कोई भी कंपैरिजन देखने को मिलता है क्वालकॉम के साथ में। अब देखिए दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोई भी जो प्रोसेसर होता है तो वहां पे आप जो आउटपुट है उसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो है सीपीयू पावर, एक है जीपीयू पावर। अब यहां पर दोस्तों जो जीपीयू लगाता है मीडियाटेक वो लगाता है माली जो आता है आम की तरफ से, जो क्वालकॉम दोस्तों है वो अपना खुद का जीपीयू डेवलप करता है जिसको वो बोलता है एड्रिनो बेस्ड जीपीयू। और यहां पे अलग-अलग दोस्तों नाम जो है वो देखे जाते हैं। अब दिक्कत जो है ना वो माली के जीपीयू में नहीं है दोस्तों, माली जीपीयू तो सैमसंग जो है वो एक्सिनोस के अंदर भी काम में लेता है, लेकिन ये दोस्तों जो वर्जन काम में लेते हैं वो इतना पावरफुल नहीं होता है, इसलिए आपको जो ग्राफिक परफॉर्मेंस मिलती है मीडियाटेक के अंदर वो अक्सर बजट रेंज वाले मीडियाटेक में दोस्तों उसमें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है कि यहां पे दोस्तों जो आता है आपका प्रोसेसर, उसमें मीडियाटेक ने हमेशा नंबर्स वाला गेम खेला है, ऑक्टा कोर, डेका कोर, 6 कोर का 10 कोर का, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पे, तो उससे दोस्तों हुआ क्या है कि वो एफिशिएंट तो बन नहीं पाया। यहां पे उसमें हो गई है हीटिंग के अलावा आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो भी इतनी कमाल की नहीं मिलती है, जबकि अगर दोस्तों हमसे बात करते हैं बैलेंस्ड परफॉर्मेंस की तो वो आपको स्नैपड्रैगन के अंदर मिलती है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्नैपड्रैगन के भी कुछ प्रोसेसर दोस्तों डेफिनेटली घटिया निकल के आए थे, लेकिन इन जनरल दोस्तों क्योंकि इतने बड़े स्केल पे बनते हैं और यहां पे जो R&D है वो शायद ज्यादा है मीडियाटेक से, इसीलिए आपको बेहतर आउटपुट देखने को मिलता है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो आता है प्रोसेस के ऊपर, कि जो हार्डवेयर है मीडियाटेक का दोस्तों वो बनाया जाता है बहुत ही बड़ी प्रोसेस के ऊपर, 28 नैनोमीटर की है चाहे वो 20 नैनोमीटर की है। अभी दोस्तों रिसेंटली X30 है उसके अंदर काफी उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। अदरवाइज आप अगर देखेंगे दोस्तों क्वालकॉम में फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर जो है वो है स्नैपड्रैगन का 625, जो कि बनाया गया है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसकी वजह से हुआ ये कि उसके अंदर आपको मिलती है कमाल की पावर, कमाल की एफिशिएंसी, दोस्तों एकदम बैलेंस मिलता है, ज्यादा वो हीट नहीं होता है, और ऐसे में जो आपको आउटपुट मिलता है वो मिलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो यहां पे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मीडियाटेक दोस्तों है वो घटिया है, मीडियाटेक के अंदर भी कुछ प्रोसेसर्स ऐसे हैं जो काफी अच्छे भी हैं, लेकिन अगर मैं उससे बात करता हूं कंपैरिजन स्नैपड्रैगन के साथ में, तो यहां पे दोस्तों आज की डेट में एक भी ऐसा प्रोसेसर नहीं है जो आपको स्नैपड्रैगन से ऊपर देखने को मिले अगर आप कंपेयर करें दोस्तों सेम सेगमेंट में। तो ऐसे में आज अगर हमको ऑप्शन मिल रहा है 7,000 में 9,000 में 10,000 में दोस्तों अच्छे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स का, तो हम क्यों चूज करें मीडियाटेक का वो घटिया हार्डवेयर? मतलब क्या सिर्फ हमको बहाना चाहिए कि फोन के अंदर बैटरी अच्छी है ना यार, कैमरा अच्छा है ना यार? यहां पर दोस्तों ये बात नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें बैलेंस डील कहां मिल रही है। और प्रोसेसर अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमको तो कैमरा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई प्रोसेसर ही वो चीज है जो आपके फोन को आने वाले 3 साल तक 2 साल तक टिका पाएगा 6 महीने के बाद में, वरना आपका फोन जब हैंग होगा ना तो आपका कैमरा फोन को हैंग होने से नहीं बचाने वाला। तो यहां पर हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो क्वालकॉम हमको दे रहा है स्नैपड्रैगन 425 430 435 625 वगैरह के साथ में, वो हमको मीडियाटेक उस प्राइस रेंज में आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। आज दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स मिलते हैं सभी के सभी क्वालकॉम के जो प्रोसेसर हैं वो काम में लेते हैं, जो चाइनीज वाले हैं ना चाइना में दोस्तों क्या है सस्ते के चक्कर में लगाते हैं मीडियाटेक, और बाद में अक्सर वही फोन्स जो हैं वो रीब्रांड होकर आते हैं इंडिया में, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है वही सेम मीडियाटेक का हार्डवेयर, इसलिए हमको लगता है कि हायर मीडियाटेक जो है वो तो बहुत सारे ब्रांड्स काम ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो दोस्तों सस्ता है प्रोसेसर, बहुत ही कॉस्ट में कम आता है क्वालकॉम से, और जब आपको वैल्यू मिलती है वो उतनी नहीं मिलती है। यहां पे वो कई बार उतना हार्डवेयर
कलर सपोर्ट नहीं करता। कई बार जो है कुछ ऐसे प्रोसेसर हैं जो फुल एचडी स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करते, तो वहां पे दोस्तों लगाते हैं 720p का स्क्रीन। तो हमको यहां पे देखना पड़ता है कि यार हमारे लिए बैलेंस वैल्यू कहां मिल रही है। आज की डेट में जो दोस्तों फ्लैगशिप मीडियाटेक का जो कि है मीडियाटेक X30, वो सिर्फ दुनिया में एक फोन में आ रहा है और वो है मीजू का एक फोन। मतलब बाकी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सब जा रहे हैं स्नैपड्रैगन 835 के साथ में, उससे पहले दोस्तों था 821 के साथ में, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पे एक बैलेंस चीज है, काफी अच्छी वैल्यू मिल रही है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, जो आपको मीडियाटेक दोस्तों नहीं दे पा रहा है। क्योंकि यहां पे एक तो उनकी टेक्नोलॉजी है थोड़ी पुरानी है, उन्होंने हमेशा नंबर गेम खेला है कि यार मतलब इतने कोर का प्रोसेसर, इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। मेरे भाई आपने दोस्तों ये बात भी देखी होगी कि आप ले लो दो बाइक्स को कंपेयर कर लो, अगर एक बाइक का इंजन 400cc का है, दूसरी बाइक का इंजन अगर 250cc का भी है, तो भी दोस्तों डिपेंड करता है ट्यूनिंग के ऊपर, डिपेंड करता है दोस्तों आपके ओवरऑल डिजाइन के ऊपर। क्या पता ऐसा भी होता है बहुत बार कि जो 250cc का इंजन है वो 400cc को दोस्तों बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, और आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहां पे जो नंबर्स हैं सिर्फ उनसे कुछ नहीं होता, हमको देखना होता है कि ओवरऑल जो बैलेंस परफॉर्मेंस है वो कहां मिल रही है, जो कि मीडियाटेक में जीपीयू की कमी की वजह से और उसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने नंबर्स का गेम खेला है, हमेशा बड़ा चढ़ा के बातें करी हैं, इसीलिए नहीं मिल पाती है। तो प्लीज यार ये मत सोचा करो कि 12,000-13,000 के अंदर मिल रहा है मीडियाटेक का अगर कोई फोन आ रहा है, फॉर एग्जांपल 6753 के साथ में, 6750 के साथ में, सेल्फी है ना उसके अंदर तो हम तो ले लेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि हमको आज की डेट में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मिल नहीं रहे, हमको मिल रहे हैं 7,000-8,000-9,000-10,000 के अंदर अच्छे स्नैपड्रैगन वाले फोन मिल रहे हैं, तो हम क्यों चूज करें मीडियाटेक। बस ये था इस वीडियो में दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप देख के समझे होंगे। भैया बहुत सारी यहाँ पे और बातें भी थी डीप इंजीनियरिंग को लेके, मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे आपको बताया है कि प्रोसेसर जो है वो काम कैसे करते हैं। आप अगर वो देख लेंगे तो आप और अच्छे से रेफर कर पाएंगे किसी भी प्रोसेसर की स्पेक्शीट को देख के कि भैया यहाँ पे जो है वो कैसा आपको मिलेगा परफॉर्मेंस, ऑन पेपर एटलीस्ट आप देख के समझ पाएंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।